नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP 2024-2030 को लॉन्च किया। खगोलविदों ने पहले ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CZMP को मंजूरी दी। भारतीय वैज्ञानिकों ने इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट EEJ को समझने के लिए मॉडल विकसित किया। ओडिशा में 1999 में आए विनाशकारी सुपर साइक्लोन की आपदा को 25 वर्ष पूर्ण हुए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR पर एक रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहले मुख्य खबर का। भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP 2024 से 2030 को लॉन्च किया। इस अपडेटेड NBSAP को कोलंबिया में जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 में लॉन्च किया गया है। NBSAP जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, साथ ही ये जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने में मदद भी करती है तथा उनसे प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करती है। चलिए इसी के साथ NBSAP 2024 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहली NBSAP 1999 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना NBAP को 2008 में अपनाया गया था। NBAP को आईची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप करने के लिए 2014 में अपडेट किया गया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को 2022 में अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना और जैव विविधता को पुनर्बहाल करना है। इसमें 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 3 विषयों पर केंद्रित है। जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना, संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन के लिए साधनों को बढ़ाना। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और इसके तहत कुछ प्रयास शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि आवश्यकता एवं अंतराल का आकलन करना, टारगेट समूह की पहचान करना, विशेषज्ञों या पर्यावरणविदों की पहचान करना और ज्ञान कौशल हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देना। इसकी अगली मुख्य विशेषता है संसाधन जुटाना। इससे भारत राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता वित्त पहल BIOFIN बायोफिन लागू करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा। बायोफिन वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य देशों को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने में सहायता करना है। इसमें ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन फंड और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान जैसी पहलों का समर्थन करने के लिए निजी उद्यमियों, व्यापारिक घरानों, दानकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। बढ़ते अगले मुख्य खबर की तरफ। खगोलविदों ने पहले ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज की। आपको बता दें, बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम में अक्सर एक ब्लैक होल की कोई तारा या न्यूट्रॉन तारा या कोई अन्य ब्लैक होल परिक्रमा कर रहा होता है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। शुरुआत में V404 सिग्नी सिस्टम को भी बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम माना जा रहा था। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह बाइनरी नहीं बल्कि ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम का हिस्सा है। इस ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम में एक ब्लैक होल की दो तारे परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले V404 सिग्नी सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसके मध्य में एक ब्लैक होल है और ये पास में परिक्रमा कर रहे एक छोटे तारे को अपने प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच रहा है। ये तारा इस ब्लैक होल की प्रति एक 6.5 दिनों में परिक्रमा कर रहा है। नई खोज के अनुसार एक दूसरा तारा इस ब्लैक होल की परिक्रमा बहुत दूर से कर रहा है। ये तारा प्रत्येक 70,000 साल में इसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। इस तरह ये तीनों मिलकर एक ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा V404 सिग्नी सिस्टम मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 8,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ अब नई खोज का महत्व भी जान लेते हैं।
सबसे पहला है सुपरनोवा विस्फोट सिद्धांत को चुनौती। सुदूर में तारे की उपस्थिति से ब्लैक होल निर्माण के पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसके आसपास के जुड़े पिंड इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाने चाहिए थे, लेकिन V404 सिग्नी सिस्टम के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। सुपरनोवा की बात करें तो यह किसी विशाल तारे का विस्फोट है। किसी तारे का ईंधन खत्म होने पर वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद तारे का शेष बचा अति सघन कोर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विध्वंस। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम प्रत्यक्ष विध्वंस यानी डायरेक्ट कोलैप्स की वजह से बना है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई तारा आसपास के पिंडों को प्रभावित किए बिना नष्ट हो जाता है। इससे अधिक दूरी पर स्थित पिंड इस नष्ट हुए तारे की कक्षा की परिक्रमा करना जारी रखता है। खबर के अंत में ब्लैक होल पर भी चर्चा कर लेते हैं। ब्लैक होल अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला एक ब्रह्मांडीय पिंड है। ब्लैक होल की सतह को उसका इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा निर्धारित करती है जहां से ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच निकलने के लिए किसी बाहरी पिंड का आवश्यक वेग प्रकाश की गति से अधिक होना चाहिए। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने पहली बार ब्लैक होल की एक तस्वीर कैप्चर की थी। यह सुपरनोवा ब्लैक होल M87 नामक एक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CZMPs को मंजूरी दी। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। जिन जिलों को ये मंजूरी मिली है उनमें कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम जैसे जिले शामिल हैं। खबर को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले CZMP क्या है इन्हें समझते हैं। CZMP या तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना एक रणनीतिक ढांचा है जिसका मकसद तटीय क्षेत्रों में होने वाली मानवीय गतिविधियों को प्रबंधित और नियंत्रित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तटीय क्षेत्रों का सही तरीके से उपयोग हो ताकि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचे। CZMPs के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है जोनिंग। इसमें तटीय क्षेत्रों को अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है, जैसे राष्ट्रीय विकास क्षेत्र NDZ और तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ। अगला है जनभागीदारी। स्थानीय समुदायों की राय और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ चर्चा की जाती है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि योजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी हो। इसके अलावा तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2019 के नियमों को लागू करने के लिए राज्यों के लिए CZMP की मंजूरी एक जरूरी शर्त है। अब समझते हैं CRZ के बारे में। केंद्र सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों और उसकी प्रादेशिक जल सीमा तक के जल क्षेत्र को CRZ के तहत घोषित किया है। इसमें अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों और उनके आसपास के समुद्री क्षेत्र शामिल नहीं है। दरअसल CRZ की पहली अधिसूचना 1991 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी की गई थी। इसके बाद 2011 में इसे अपडेट किया गया और फिर 2019 में नई CRZ अधिसूचना लागू की गई। ऐसे में चलिए CRZ के अलग अलग जोन्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। CRZ 1A, इसमें पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र आते हैं जैसे मैनग्रोव, प्रवाल भित्तियां, रेत के टीले आदि। CRZ 1B, ये अंतर ज्वारीय क्षेत्र होता है जो निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच स्थित होता है। CRZ 2, तटीय क्षेत्र या उनके निकट के विकसित भूमि क्षेत्र जो नगर पालिका सीमाओं या अन्य कानूनी रूप से निर्धारित शहरी क्षेत्रों में आते हैं। CRZ 3A, वह क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। इस क्षेत्र में भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा से 50 मीटर तक का क्षेत्र नो डेवलपमेंट जोन माना जाता है, बशर्ते CZMP को मंजूरी मिली हो। CRZ 3B, वे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है। यहाँ HTL से 200 मीटर तक का क्षेत्र NDZ के रूप में चिन्हित किया जाता है। CRZ 4, इसमें जल क्षेत्र आता है और इसे आगे CRZ 4A और CRZ 4B में बांटा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
तटीय क्षेत्रों का सही तरीके से प्रबंधन करना है ताकि वहां का पर्यावरण सुरक्षित रहे और विकास भी संतुलित हो। बढ़ते अगले मुख्य खबर की तरफ। भारतीय वैज्ञानिकों ने इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट ईईजे को समझने के लिए मॉडल विकसित किया। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट ईईजे मॉडल द्वारा परिक्रमा करने वाले उपग्रहों, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स GNSS आधारित नेविगेशन या पोजिशनिंग प्रणालियों पर, अन्य उपग्रह संचार लिंक्स पर और साथ ही इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड पर ईईजे के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। वहीं अगर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट यानी ईईजे के बारे में समझा जाए तो पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा यानी जियोमैग्नेटिक इक्वेटर भारत के दक्षिणी सिरे के बहुत करीब से गुजरती है। ऐसे में यहाँ 100 किलो एम्पियर्स के क्रम की एक अनोखी और बहुत तेज धारा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट यानी ईईजे पाई जाती है। यह ऊपरी वायुमंडल में लगभग 105 से 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्लो करती है। ईईजे के उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के बारे में बात करें तो यह कुछ 100 किलोमीटर लगभग 600 किलोमीटर तक विस्तारित होती है। यह पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा में निर्मित होती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं और इससे आयनमंडल में धारक का घनत्व तीव्र होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईईजे चुंबकीय भूमध्य रेखा के साथ परिसंचरण करती है। आमतौर पर ईईजे धारा दिन के समय पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और रात के समय पश्चिम की ओर दिशा बदल लेती है। यह भूमि पर और अंतरिक्ष में एक विशिष्ट चुंबकीय संकेत उत्पन्न करती है। इसे मैग्नेटोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब ईईजे के प्रभाव को देखें तो ईईजे भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र को गहन करता है और साथ ही ईईजे व्यवधान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति संबंधी अवसंरचना और विद्युत निगरानी प्रणालियों को भी प्रभावित करते हैं। इसी के साथ खबर के आखिर में चुंबकीय भूमध्य रेखा के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जीरो मैग्नेटिक डिप की एक रेखा है। इसका मतलब यह है कि इन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई बिल्कुल भी नहीं हिलती है। पृथ्वी की भौगोलिक भूमध्य रेखा के विपरीत चुंबकीय भूमध्य रेखा स्थिर नहीं है बल्कि यह धीरे धीरे बदलती है और भौगोलिक भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ा वृत्त है और साथ ही यह 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थिर रहता है। अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। ओडिशा में 1999 में आए विनाशकारी सुपर साइक्लोन की आपदा को 25 वर्ष पूर्ण हुए। दरअसल 1999 में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले सुपर साइक्लोन BOB-06 ने ओडिशा के जगतसिंहपुर में पारादीप में लैंडफॉल किया था। इसमें 9000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि तब से ओडिशा के चक्रवात प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2013 और 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वैश्विक उदाहरण के रूप में सराहा गया था। सबसे पहले 1999 की आपदा प्रतिक्रिया में प्रमुख मुद्दे जान लेते हैं। पहला है चेतावनियों की अनदेखी। भारतीय मौसम विभाग IMD के अलर्ट के बावजूद अधिकारियों ने चक्रवात की गंभीरता को कम करके आका। दूसरा है तैयारी की कमी। स्थान विशिष्ट लैंडफॉल की अपर्याप्त चेतावनियां, सीमित संसाधन और खराब संचार रणनीति देखी गई। चलिए इसी के साथ अब 1999 की आपदा के बाद से आपदा प्रतिरोधी पहलों पर चर्चा करते हैं। राज्य स्तर पर की गई पहलें देखें तो इसमें सबसे पहले है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA। ओडिशा ने भारत की पहली राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की। इससे विकेंद्रीकृत आपदा प्रतिक्रिया की शुरुआत हुई और नौकरशाही संबंधी देरी में भी कमी हुई। दूसरी है मिशन जीरो कैजुअलिटी। OSDMA ने चक्रवात संबंधी आश्रयों, त्वरित प्रतिक्रिया दलों और सुव्यवस्थित प्रोटोकॉल की शुरुआत की ताकि चक्रवात एवं बाढ़ में हताहतों की संख्या कम हो सके। और तीसरी है समुदाय केंद्रित प्रयास। बचाव कार्यों का नेतृत्व करने और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं महिला SHGs के सदस्यों सहित स्थानीय स्वयंसेवियों को शामिल किया गया। अब केंद्र स्तर पर अपनाई गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली है संशोधित प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली। 1999 में IMD ने बादलों की तस्वीरें काफी देर से उपलब्ध कराई थी लेकिन अब ये हर 15 मिनट में ऐसी तस्वीरें उपलब्ध करा सकता है। दूसरी है आपदा प्रबंधन अधिनियम DMA 2005। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NTMA गठित किया गया। अंत में चक्रवातों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। चक्रवात कम वायु दाब वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न होते हैं। तीव्र और अक्सर विनाशकारी वायु परिसंचरण इनकी विशेषताएं हैं। इनका वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है,
पहला बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात। ये सम शीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये मकर और कर्क रेखा के बीच सक्रिय होते हैं। अब IMD द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टर्म्स भी समझ लेते हैं। IMD पवनों की गति के आधार पर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब प्रणालियों को वर्गीकृत करता है, जैसे कि सुपर साइक्लोन 221 किलोमीटर प्रति घंटा, गंभीर चक्रवाती तूफान 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा और चक्रवाती तूफान 61 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR पर एक रिपोर्ट जारी की। आपको बता दें कि 2060 तक वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर 3 गुना हो जाने का अनुमान है। इनमें से केवल 20% अपशिष्ट को ही रिसाइकिल किया जा सकता है। इस प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR विश्व स्तर पर स्वीकार्य नीतिगत सिद्धांत के रूप में उभरा है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR है क्या ये जानते हैं। यह एक प्रकार का नीतिगत सिद्धांत है। उत्पादकों या विनिर्माताओं को उनके उत्पाद के उत्पादन से निपटान तक के संपूर्ण चरण के प्रबंधन के लिए जवाबदेह बनाता है। इसमें विशेष रूप से उत्पाद को उपयोग के बाद वापस लेने, रिसाइकल करने और अंतिम निपटान के चरण शामिल हैं। EPR के तत्वों में उत्पादक की जवाबदेही, अपशिष्ट को कम करना, उत्पाद की संपूर्ण उपयोग अवधि अप्रोच, प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत आदि शामिल हैं। EPR नीति के तहत अपशिष्ट के प्रकारों में पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी, खतरनाक अपशिष्ट आदि आते हैं और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां उत्पादक जिम्मेदारी संगठन PROs थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं जो प्रदूषकों को EPR व्यवस्था का अनुपालन करने में मदद करती हैं। अब प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए EPR को समझते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में EPR का प्रावधान किया गया है। बाद में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया। इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2027-28 तक है। PIBOs में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में पहचाने गए प्रदूषकों में उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक और विनिर्माता PIBOs शामिल हैं। EPR नियमों के अनुसार PIBOs को बाजार में आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग का 100% वापस संग्रह करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। EPR कार्यप्रणाली को देखें तो EPR प्रमाण पत्र प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेस करने वालों PWPs द्वारा रिसाइकल और निपटान करने के बदले जारी किए जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों की खरीद बिक्री प्रदूषकों के साथ की जाती है। PIBOs को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेस करने वालों यानी PWPs से EPR प्रमाण पत्र खरीदना अनिवार्य किया गया है। इस तरह ये प्रमाण पत्र नियमों के पालन के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में अब प्लास्टिक के लिए मौजूदा EPR व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में आयातक बिना किसी निगरानी या विनियमन के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए EPR व्यवस्था के तहत कुल पंजीकृत PIBOs में 83% आयातक हैं, लेकिन बाजार में लाए गए प्लास्टिक उत्पाद में उनकी भागीदारी महज 9% दर्शाई गई है। इसी के साथ पैकेजिंग और नॉन पैकेजिंग प्लास्टिक अपशिष्ट के बीच अंतर करना मुश्किल है। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेस करने वाले PIBOs को फर्जी EPR प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अंत में अब इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। EPR के लिए उचित मूल्य निर्धारण व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। फर्जी EPR प्रमाण पत्रों को अमान्य कर देना चाहिए। साथ ही EPR दिशा निर्देशों में अनौपचारिक क्षेत्र के भागीदारों को भी शामिल करना चाहिए आदि। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और साझेदारों ने हाल ही में एमपॉक्स के प्रकोप के चलते पहली बार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स GHEC को सक्रिय किया। WHO ने 2023 में GHEC की स्थापना की थी। इसकी स्थापना COVID-19 महामारी के दौरान देशों को बेहतर समन्वित समर्थन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। कोलंबिया ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन कोप की
16वीं बैठक में प्रकृति के साथ शांति गठबंधन की शुरुआत की है। इस गठबंधन में मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा और चिली सहित 4 महाद्वीपों के देश शामिल हैं। इनमें से कोई भी देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से नहीं है। इजराइल को उम्मीद है कि उसका आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम 1 साल के भीतर चालू हो जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग करके सटीकता के साथ अलग अलग टारगेट्स को रोकना और नष्ट करना है। भारत को ARINAP की संचालन समिति में शामिल किया गया है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे भारत को आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों से निपटने संबंधी अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हाल ही में आदित्य L1 मिशन से पहला वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त हुआ है। आदित्य L1 पर लगे विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC ने सूर्य पर विस्फोटित होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के घटित होने के समय का सटीक अनुमान लगाया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारतीय उद्योग परिसंघ CII का ही एक भाग है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका विजन 2025 तक भारत को संधारणीय बिल्ड एनवायरनमेंट में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना और सभी के लिए संधारणीय बिल्ड एनवायरनमेंट को सुगम बनाना है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। 2024 में इसके 9वें संस्करण का आयोजन इंडोनेशिया के सी जंतुंग में किया जा रहा है। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। हाल ही में इसका 31वां संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुलभ ई गवर्नेंस, वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।